हजूर सेना प्रकट हो। वरदानी परमवीर असुर सम्राट दुरासद की। वरदानी परमवीर असुर सम्राट दुरासद की। असुरों के आराध्य आशुतोष भगवान शिव की कृपा से हमें स्वर्ग पर अधिकार करने से संसार की कोई शक्ति नहीं रोक सकती। आगे बढ़ो असुर वीरों, आगे बढ़ो और स्वर्ग पर अधिकार कर लो। वरदानी परम वीर असुर सम्राट दुरासद की। वरदानी परम वीर वरदानी परम वीर देवराज अनर्थ हो गया। देवराज अनर्थ हो गया। अनर्थ हो गया देवराज, अनर्थ हो गया। देवराज इंद्र की जय हो। अनर्थ हो गया देवराज। भस्मासुर का पुत्र दुरासद आशुतोष भगवान शिव का वरदान प्राप्त करके विशाल असुर सेना के साथ स्वर्ग की ओर बढ़ा चला आ रहा है। अब क्या होगा देवराज? हम दुरासद को स्वर्ग की ओर अभियान करने का उचित दंड अवश्य देंगे। सूर्यदेव, पवनदेव, अग्निदेव, अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग कर दुरासद के अभियान को छिन्न भिन्न कर दो। नारायण नारायण। सावधान देवराज इंद्र, सावधान। भस्मासुर का पुत्र दुरासद भगवान शिव से वरदान प्राप्ति के पश्चात स्वर्ग विजय के अभियान को निकला है। देवराजेंद्र, आपके दिव्य शक्ति संपन्न देवता उसे स्वर्ग के सिंहासन तक पहुंचने से रोक नहीं पाएंगे। इसीलिए उत्तम यही होगा कि आप देवताओं के ऋषि होकर सदा अशुभ और विनाशक समाचार लेकर क्यों आते हैं? आप देवताओं को कायरता का पाठ पढ़ाना क्यों चाहते हैं? नारायण नारायण देवराजेंद्र, ये कायरता का पाठ नहीं अपितु आपके सम्मान की रक्षा का परामर्श है। यदि परामर्श ही देना है तो ऐसा परामर्श दें जिससे दुरासद का वरदान भी सफल हो और हमारे स्वर्ग का सिंहासन भी बच जाए। नारायण नारायण देवराज, दुरासद ने तो स्वर्ग सिंहासन को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की है, किंतु आपने स्वर्ग की सुरक्षा के लिए क्या किया है? ना तो आपने त्रिदेव और त्रिदेवियों की आराधना की है और ना ही आपने ऐसा कोई धर्म कार्य किया है, तो फिर स्वर्ग की सुरक्षा कैसे हो? वरदानी परमवीर असुर सम्राट दुरासद की। वरदानी परमवीर असुर सम्राट दुरासद की। नारायण नारायण। सुने देवराज, सुने। वरदानी दुरासद की शक्ति के आगे आपके दिव्य शक्ति संपन्न देवता किस प्रकार निर्बल सिद्ध हो रहे हैं? दुरासद की वरदानी शक्तियों के सामने हमारी दिव्य शक्तियाँ व्यर्थ सिद्ध हुई देवराज। विध्वंस का विजयी चक्रवात बना दुरासद किसी भी समय यहाँ पहुँच सकता है। देवराज अब हमें स्वर्ग छोड़ देना चाहिए। देवराज कदापि नहीं, उस दुष्ट के लिए मैं स्वर्ग का सिंहासन कदापि नहीं छोड़ सकता। नारायण नारायण, अब आप हट ना करें देवराज। आपके पास श्री महागणेश को पुकारने के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है। श्री महागणेश को पुकारने से क्या लाभ? उन्हीं की प्रेरणा से शिव ने उस दुष्ट को वरदान दिया है, किंतु आज मैं शिव के वरदान को मिथ्या सिद्ध कर दूंगा। अपने बाहुबल से स्वर की ओर अभियान करने वाले दुष्ट दुरासद को मृत्यु का भयंकर दंड दूंगा। वरदानी असुर
सम्राट दुरासत की, वरदानी असुर सम्राट दुरासत की। कौन है ये सुंदरी? नारायण नारायण, वरदानी वीर दुरासत, ये देवराज इंद्र की धर्म पत्नी देवी शची हैं। इन पर कुदृष्टि डालने का परिणाम तुम्हारे हित में ना होगा। सावधान दुष्ट, स्वर्ग महारानी शची पर दृष्टि डालने के कारण मैं तुझे मृत्यु दंड देता हूँ। तुम्हारी शक्ति प्रकट हो। तुम्हारी शक्ति प्रकट हो। रक्षा करें, रक्षा करें श्री महागणेश, रक्षा करें महागणेश। देवी शची, मेरे हृदय को मोहने वाली, रक्षा करें श्री महागणेश। आओ देवी शची, आओ। अब आप अदृश्य हो जाएं देवी शची। आओ देवी शची। नहीं, मेरे हृदय को मोहने वाली देवी शची, वर्ग विजयी वरदानी असुर सम्राट दुरासत की, वर्ग विजयी वरदानी असुर सम्राट दुरासत की। बंद करो ये जय जयकार। जब मेरे हृदय को मोहने वाली सुंदरी ही चली गई तो इस जय जयकार से क्या लाभ? आज मैं विजय होकर भी पराजित हुआ हूं असुर वीरों। जब तक वो सुंदरी मेरे साथ स्वर्ग के सिंहासन पर नहीं बैठेगी, मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी। अपनी पराजय का अनुभव मुझे सदा ही होता रहेगा। जाओ, जाओ और कहीं से उसे ढूंढ कर लाओ। जाओ। सच्ची देवी शची। भैया, छह मुखधारी होते हुए भी आप ठोकर खाकर गिर पड़े, ये मेरे लिए लज्जा की बात है। देखकर दौड़ा करें। तुम मेरे साथ खेलते नहीं हो श्री गणेश, मुझे सताते रहते हो। क्या इस कारण ही तुम मुझे श्रीशैल से बुलाकर लाए थे? भैया, तुम्हारे बिना कैलाश सुना था। हमारे माता पिता भी उदास थे और सत्य तो यह है कि श्री शैल आश्रम जाकर आप खेलना बिल्कुल ही भूल चुके हो। बालक होते हुए भी आप वहाँ वृद्धों के समान धर्म उपदेश सुनाते रहते थे। किंतु वहाँ सभी मेरा सम्मान करते थे, सभी मुझे प्रेम करते थे। बड़े भैया, क्या आपको मेरे प्रेम पर संदेह है? क्या मैंने आपके सम्मान में कोई भूल की है? यदि मुझसे कोई अपराध हो गया हो तो बड़े भैया मुझे दंडित करें, किंतु मेरे निश्चल प्रेम पर संदेह ना करें। भैया, भूल करना तो छोटों का स्वभाव होता है और क्षमा करना बड़ों का कर्तव्य। मुझे क्षमा करना भैया। नहीं अनुज। बड़े भैया, भाई भाई के प्रेम को भाषा और शब्द की सीमा में बांधा नहीं जा सकता, वो तो अनंत और अलौकिक है। बचपन का ये भावनात्मक संबंध भविष्य को भी सुगंधित करती है। पार्वती, भावना और प्रेम के साथ ही बालक के भीतर संवेदना और चुनौतियों का सामना करने की शक्ति जन्म लेती है और इसी को सच्चा प्रेम कहते हैं। देवी पार्वती,
देवाय नमः। ओम मातृ देवाय नमः। हे आशुतोष, आपसे वरदान पाकर भस्मासुर के पुत्र दुरासद ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया है। नारायण नारायण भोलेनाथ। इतना ही नहीं, उस दुष्ट ने वहां पहुंचते ही देवी शची पर कुदृष्टि डाली। दुष्ट दुरासद के दुष्कर्मी पिता भस्मासुर ने मुझ पर भी कुदृष्टि डालने का दुस्साहस किया था। वो तो भोलेनाथ से वरदान पाकर उन्हीं को भस्म कर देना चाहता था। ऐसे दुष्ट के पुत्र को वरदान देकर आपने संसार के लिए नया संकट उत्पन्न कर दिया है स्वामी। हम पर कृपा करें भोलेनाथ, उस दुष्कर्मी दुरासद से हमें हमारा स्वर्ग वापस दिलवाएं, अपना वरदान लौटा लें प्रभु। देवराज इंद्र, जिस प्रकार मुंह से निकला वाक्य, कमान से निकला तीर लौटाया नहीं जा सकता, उसी प्रकार हमारा दिया हुआ वरदान भी लौटना असंभव है। नारायण नारायण भोलेनाथ। भोलेनाथ, आपके वरदान की आड़ में वो दुष्ट अपने आतंक से इस सारे संसार को मत डालेगा। तनिक विचार करें भोलेनाथ, जब तक वो त्रिदेवों के हाथों मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा, तब तक उसकी दुष्टता का अंत कैसे होगा? आपकी बुद्धि और चतुराई की प्रशंसा तो त्रिदेव में निरंतर करते हैं देवर्षि। तनिक इतना तो सोचे कि महादेव ने दुरासद को अमरता का वरदान नहीं दिया था। हम कुछ समझे नहीं श्री गणेश। वरदानी शक्ति के कारण दुरासद का वह तब तक नहीं हो सकता देवराज, जब तक उसके पापों का घड़ा भर नहीं जाता। मैं सत्य कह रहा हूँ ना पिताश्री? परम देव श्री महागणेश के पूर्ण अवतार श्री गणेश, तुम्हारे मुंह से असत्य निकल ही नहीं सकता। नारायण नारायण, अर्थात भोलेनाथ, समय आने पर दुरासद की दुष्टता का अंत होगा, जिसके लिए हम सभी को प्रतीक्षा करनी होगी। प्रतीक्षा ही नहीं देवर्षि, संकट की इस घड़ी में देवताओं को परमदेव श्री महागणेश की आराधना भी करनी होगी। उनकी इच्छा मात्र से देवताओं पर आया संकट क्षण मात्र में टल जाएगा। ओम श्री महागणेशाय नमः स्वाहा। ओम परम देवाय 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 नमः स्वाहा। ओम श्री महागणेशाय 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 नमः स्वाहा। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम माताश्री। अनर्थ हो गया पिताश्री, अनर्थ। भस्मासुर के पुत्र दुष्ट दुरासद ने भगवान शिव से वरदान पाकर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया है। परम देव श्री महागणेश की कृपा से हमें इस दुर्घटना का ज्ञान है पुत्र। कहीं ये दुर्घटना नहीं देवी अदिति, इस बार असुरों को उत्तेजित करने में तुम्हारी बहन दिति का प्रोत्साहन नहीं है। अपनी भक्ति और वरदान की शक्ति से दुरासद से तुम्हें परास्त होना पड़ा है पुत्र। अब तुम्हें शिवाज्ञा मानकर परम देव श्री महागणेश की आराधना करनी होगी पुत्र। जो आज्ञा पिताश्री। आओ पुत्र। Thank you.
ओम श्री महागणेशाय नमः स्वाहा। ओम श्री महागणेशाय नमः स्वाहा। ओम परम देवाय नमः स्वाहा। ओम परम देवाय नमः स्वाहा। ओम रमणे नमः।